हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है पार पैसिफिक ऑयल कंपनी जो होता है उन लोगों का नाम लेके फेक एजेंसी जॉब ऑफर लेटर आपको देगा, उसके बदले आपसे पैसा लूट लेगा, इसके ऊपर आज की वीडियो है। आज से मेरा 10-15 डेज पहले मेरा मेल आया था पार पैसिफिक ऑयल कंपनी। मैं glassdoorindeed.com ने मेरा मैं जो CV मैंने वहाँ पे अपलोड किया था जॉब के लिए, वहाँ पे वो लोग मेरी CV मिल गया। उसके बाद वो लोग ने मुझे ये भेजा था, देखिए जॉब वैकेंसी नहीं वैसे, देखिए पार पैसिफिक ऑयल गैस कंपनी मैनेजमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ रिसीव योर रिज्यूम फ्रॉम वन ऑफ द जॉब प्लेटफॉर्म, वी कैन नॉट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरव्यू बैक इंटरव्यू इंटरनेशनल पासपोर्ट स्कैन कॉपी, ये मुझे भेजा था। मीन्स मेरा CV उन लोगों को मिला था, उसके बाद वो लोग ने बोला कि ये जो फॉर्म है ये मैं आपके सामने डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलिए, बोल रहा है मुझे। ठीक है, मैंने फॉर्म फिलअप किया, ये देख रहा है पार पैसिफिक लिखा हुआ है, इसमें पार पैसिफिक ऑयल कंपनी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सारा यहाँ पर एड्रेस वो लोग ने दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में। मैंने सब कुछ यहाँ पर टाइप करके लिख के मैंने भेज दिया था, उसके बाद वो लोग ने मुझे ऑफर लेटर दिया था, दिखा रहा हूँ अभी ऑफर लेटर। ठीक है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, कैसे ऑफर लेटर फेक एंड जेन्युइन देख सकती है, मैं आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद मेरा पास आ गया मेल, ये देखिए एग्रीमेंट एंड जॉब ऑफर लेटर वो लोग ने मुझे दे दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी पासपोर्ट का नंबर, क्योंकि मैंने सारा पासपोर्ट वगैरह सब कुछ फोटो क्लिक करके मैंने भेज दिया था। पहले मैं भी कन्फ्यूज था, और डेजिग्नेशन है सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद मुझे पता चला कि ये फेक है। नंबर वन, बेसिक सैलरी $9,500 ये इंडिया में हो गया आपका 7-6 लाख की आसपास आपका मोनली सैलरी है। ठीक है, बाकी हाउसिंग देगा, एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट दे रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब कुछ आपको दे रहा है। और यहाँ लेकिन यहाँ पर जो है ना वीज़ा का फीस बोल रहा है कि वो खुद करना पड़ेगा, बाद में वो आपको रिफ़ंड करेगा वीज़ा का फीस, इसमें ही गोलमाल है। आपको मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में गोलमाल क्या है। ये आपको वॉकिंग आवर दिखा रहा है, देखिए 6 आवर ओनली डे, एक दिन में आपको 6 आवर काम करके आपको 5-6 लाख की कमाई होगा। ठीक है, वो लोग ने मुझे इतना बेवकूफ़ बनाया था कि नंबर वन, पहला मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, डायरेक्ट जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया था, ये जो फॉर्म है इसको फिलअप करने के लिए बोला था, मैंने फिलअप करके दे दिया, उसके बाद ये ऑफर लेटर दिया था। ठीक है, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, जैसे कोई कंपनी आपको हायर कर रहा है तो इतना पैसा आपको पे कर रहा है। नंबर वन, जब 2-3 साल 4 साल का 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तब कोई कंपनी आपको 5-6 लाख आपका सैलरी पे करेगी ही नहीं, 2,000 यूरो पे करेगा, 2 लाख या 1,50,000 1,80,000 इतने के बीच आपको सैलरी पे कर रहे हैं। नंबर टू, जब आपको सैलरी पे कर रहा है फुल आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंटरव्यू होगा, वो लोग ने मेरे साथ कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ भी इंटरव्यू नहीं लिया मेरा, पहले मुझे ये फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला, ये मैंने फिलअप कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट मेरा ऑफर लेता आ गया। नंबर टू, आपका लोगो, कोई जो कंपनी होता है ना रिक्रूटमेंट एजेंसी हो या जो जेन्युइन कंपनी होता है रिक्रूटमेंट एजेंसी और डायरेक्ट कंपनी से, आपको ये जो लोगो वगैरह होता है ना कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका सिंपल ऑफर लेटर भेजेगा। ऑफर लेटर तभी भेजेगा जब आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंटरव्यू होगा, आप सिलेक्शन होगा, उसके बाद ऑफर लेटर भेजेगा। नंबर थ्री, ये लिखा हुआ है मोनली 9,500 सैलरी, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट विल प्रोवाइड ऑफिशियल यूजेस, ये देख सकती है आप। नंबर थ्री, जब आपको कोई कंपनी आपको हायर कर रहा है तब कोई कंपनी आपको, मैक्सिमम कंपनी कभी टिकट वगैरह नहीं पे करता है आजकल, वो आपको खुद ही लेना पड़ता है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको जॉइनिंग लेटर देगा, ऑफर लेटर देगा, उसके बाद आप खुद फ्लाइट टिकट बुक करके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे साथ मेरी फैमिली टू सिलेंग का इकोनॉमी का जो एयर टिकट वो भी प्रोवाइड कर रहा है, टोटली ये फ्रॉड है। ठीक है, ये फेक है, ये लिखा हुआ है, देखिए एजुकेशन एक्सपेंसेस। नंबर फोर, कभी आप यूरोपियन कंट्री में जब जाती है कभी
एक दिन में 6 आवर का काम होता ही नहीं है। अब 8-9 to 10 आवर्स का आपका ड्यूटी पर करेगा ही करना ही पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे वो लोग ने लिखा हुआ है $9,500 की मेरी सैलरी दे रहा है, इंडियन रुपीज़ में हो गया 5-6 लाख, और मुझे काम करना पड़ेगा एक दिन में सिर्फ 6 आवर्स। कोई पागल है आपको 6 आवर्स के लिए, एक दिन में 6 आवर्स के लिए इतना पैसा पे करे? वो टोटली फ्रॉड है। मैं आप स्पॉन्सरशिप एक लेटर भी मुझे दिया था वो लोग ने, जो फेक एजेंसी ये लिखी है स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए वो सही है। जो मेन चीज़ होता है ना, जो कंपनी होता है जेन्युइन कंपनी होता है, वो कभी लोगो वगैरह इतना बड़ा नहीं होता है। नॉर्मल आपका ऑफर लेटर, नॉर्मल स्पॉन्सरशिप लेटर आपको पे करेगा। यहाँ पे देखिए क्या पे डाला हुआ है, बेवजह लोगो डाला हुआ है। आपके ऑफर लेटर में भी देख सकती है, देखिए बेवजह लोगो, लोगों का यह कोई मीनिंग ही नहीं ऐसे डाल दिया, तभी पता चलेगा कि ये फेक है। आजकल पहले इंडिगो का चल रहा था कि ऑफर लेटर फेक दे रहा है, अभी निकला USA पार पैसिफिक ऑयल कंपनी की थ्रू आ रहा है ऑफर लेटर, टोटली फेक है, इसमें कोई बिलीव मत कीजिएगा। पहले आपका जो मेल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा मेल है, ये देखिए पहले आपको ऐसे आ सकती है, ये फ्रॉम है, ये देखिए ए फॉर्म है, ए फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए बोलेगा वो लोग, ये देख लीजिए आप वीडियो में। उसके बाद आपका ए ऑफर लेटर भेजेगा, एग्रीमेंट एंड जॉब ऑफर लेटर, टोटली ये फ्रॉड है। आप कभी भी मींस नंबर 4, मुझे कैसे पता चला कि ये फ्रॉड है, क्योंकि वो लोग ने मुझे मेल किया था, मेल पे लिखा था कि मुझे 50,000 पे करना पड़ेगा वीज़ा की एम्बेसी फीस। ये होता है जो बाहर की कंपनी आप जब हायर करते हैं ना, एम्बेसी फीस आपको खुद पे करना पड़ता है, लेकिन जब आपको ऑफर लेटर दे रहा है, वर्क परमिट आप निकल रहा है, तो एम्बेसी फीस 25,000 होता है USA का, और गवर्नमेंट फीस होता है, आपको खुद जाके वहाँ पे एम्बेसी में खुद पे करना पड़ता है, कभी किसी को देना नहीं पड़ता है। वो जो एम्बेसी फीस होता है ना, आपको खुद जाके पे करना पड़ता है। मैंने नेट पे सर्च किया गूगल में, तब मुझे पता चला कि US का जो एम्बेसी फीस है टोटल खर्चा 25,000-20,000 के बीच पड़ जाता है। लेकिन जब मुझे मेल किया वो लोग ने, मुझे बोला कि एम्बेसी फीस है वो 50,000 मुझे पे करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर भी वो लोग ने दे दिया था, तभी मुझे पता चला कि ये फेक है। क्योंकि एम्बेसी फीस आप खुद जाके एम्बेसी में, आपका बायोमेट्रिक होगा तब आपको खुद पे करना पड़ता है, किसी को देना नहीं पड़ता है, तब मुझे पता चला कि ये टोटली फ्रॉड है। ठीक है, ये जेन्युइन है। जैसे वो लोग आप भी फंस जाएगी, मुझे भी लगा था कि ये टोटली जेन्युइन है, जब कंपनी इतना सैलरी पे कर रहा है, टिकट दे रहा है, जो एम्बेसी फीस है वो खुद मुझे पे करने के लिए बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए एम्बेसी फीस खुद पे करना पड़ता है, वीज़ा एक्सपेंसेस ओके। लेकिन जब मैंने ऑफर लेटर वगैरह मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद मुझे मेल आया कि वहाँ पे मेल में लिखा था कि एम्बेसी की जो फीस है वो मुझे अभी पे करना पड़ेगा उन लोगों का अकाउंट में 50,000। तब मैंने रिसर्च किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, US का जो एम्बेसी वर्क परमिट का होती है 25,000, जो भी हो 20,000 या 30,000 जो भी हो एम्बेसी फीस, आप खुद जाना पड़ता है बायोमेट्रिक के लिए, एम्बेसी में जाके खुद आपको पे करना पड़ता है, और एम्बेसी से आपको रिसीव मिलता है, तो चलिए गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर है। अभी किसी की अकाउंट की खटे में फ़ोन पे, गूगल पे कुछ नहीं करना पड़ता है, ये टोटली फेक। तभी मुझे पता चला कि ये टोटली फेक है, जब मुझसे एम्बेसी फीस ले रहा है 50,000 एडवांस ले रहा है अकाउंट में, तब मुझे पता चला कि ये टोटली फेक है। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने गूगल में भी, नेट पे भी सर्च किया था, यूट्यूब में भी सर्च कर रहा था, वहाँ पे इंडिगो का फेक ऑफर लेता आया है बहुत के पास, लेकिन ये नया है, ये जो चोर है ना, ये जो फ्रॉड एजेंसी है नया है, पार पैसिफिक ऑयल कंपनी US के नाम से वो लोग फ्रॉड कर रहा है, ये नया कंपनी है। यूट्यूब में भी वीडियो नहीं है इसके ऊपर, इसलिए मैं वीडियो जो है ना, वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अलर्ट हो जाए सब लोग, क्योंकि ये जो फ्रॉड है आपको भी लगेगा कि ये सब जेन्युइन है नॉर्मल है, लेकिन जब आपको मेल आएगा ना, वहाँ पे आपको बताएगा कि एम्बेसी फीस आपको 50,000 अभी पे करना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट में किसी का, तब आपको पता चलेगा कि ये टोटली फेक है। ठीक है, एम्बेसी फीस कभी किसी के अकाउंट में नहीं दिया जाता है, आपको खुद जाना पड़ता है, खुद US का जो एम्बेसी है दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, वहाँ पे जाके खुद आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, उसके बदले आपको रिसिप्ट पे करता है,
किसी के अकाउंट में नहीं होता। तब मुझे पता चला कि टोटली वो लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे। मैं यूट्यूब में भी देखा लेकिन कोई वीडियो नहीं मिला, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये है आज का वीडियो था मेरा, अलर्ट रहिए हमेशा, देखिए पहले क्या क्या है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद किसी को आप पैसा दीजिए। ठीक है, ये नया चोर है, नया फ्रॉड है। वो पावर पैसिफिक ऑयल कंपनी के नाम से वो पैसा लूट रहा है इंडिया से। ठीक है, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।